आज की मूवी का नाम है द स्विमिंग पूल, जो 1969 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक जोड़े से मिलते हैं जो स्विमिंग पूल के पास एंजॉय कर रहे हैं। जीन पॉल, जो कि एक लेखक है, और मैरियन, जिसने जीन के लिए अपनी जॉब छोड़ दी है। दोनों 2 साल से साथ में हैं। वो अपने एक दोस्त के विला में छुट्टियां मना रहे हैं। दोनों जब एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे, उन्हें फोन बजने की आवाज आती है। मैरियन फोन रिसीव करती है। जीन भी अंदर आ जाता है और पूछता है कि किसका फोन था। मैरियन पहले बताने से मना करती है। जीन भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। कुछ देर बाद मैरियन उसे बताती है कि हैरी यहाँ उनसे मिलने आ रहा है, अपनी 18 साल की बेटी पेनेलोप के साथ। हैरी असल में जीन का चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन अब जीन को उससे कोई खास लगाव नहीं रहा, जिसकी वजह है मैरियन, क्योंकि उसे शक है कि हैरी और मैरियन का किसी टाइम अफेयर रह चुका है। फाइनली हैरी वहां अपनी बेटी के साथ पहुंच जाता है और बताता है कि उसके यहाँ होने की खबर उसे फ्रेड ने दी थी, जो उनका एक कॉमन फ्रेंड है। जीन उसे वो विला दिखाता है। सब बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं। मैरियन हैरी से कुछ दिनों के लिए यहीं रुकने के लिए कहती है और वो मान भी जाता है। जीन हैरी को पूल में स्विमिंग करने के लिए इनवाइट करता है। उसके बाद जीन पेनेलोप से उसकी एज पूछता है। पेनेलोप बताती है कि वो 18 साल की है। रात के समय मैरियन जीन के साथ होती है और कहती है कि उसे जीन का साथ पसंद है। जीन पूछता है फिर उसने हैरी को यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा। मैरियन कहती है कि उसे लगा कि जीन को अच्छा लगेगा। जीन कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हैरी और उसका अफेयर रह चुका है। मैरियन कहती है वो उसे अपनी बातों से बोर कर रहा है। उसके बाद दोनों रोमांटिक होने लगते हैं, लेकिन जीन के दिमाग में अभी भी हैरी घूम रहा था। हैरी से हमें पता चलता कि पेनेलोप उसकी जवानी के जोश में की गई एक भूल है। उसके बाद हैरी ब्रेकफास्ट देने मैरियन के कमरे में जाता है और अपनी रिकॉर्ड कंपनी के रिकॉर्ड्स बजाकर सबको एंटरटेन करता है। उसके बाद टाइम पास करने के लिए जीन हैरी की आलीशान कार ड्राइव करता है और हैरी उसे अपनी कार के मॉडल के बारे में डिटेल्स देने लगता है। रात में हैरी मैरियन के साथ ताश खेलता है, जिसमें मैरियन हार जाती है। अगले दिन हैरी टाउन में अपने कुछ दोस्तों से मिलने चला जाता है। मैरियन जीन से कहती है कि उसे यकीन है कि हैरी रात में अकेला वापस नहीं आएगा। दोनों हैरी के वहां ना होने का फायदा उठाते हैं। काफी देर रात हैरी वापस आ जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ। सब मिलकर पार्टी करते हैं और हैरी मैरियन के साथ डांस करता है। जीन उन दोनों को देख रहा था। हैरी की एक दोस्त जीन के पीछे पड़ जाती है। पेनेलोप पार्टी से बोर होकर बाहर आ जाती है। जीन भी उसके पीछे आता है। वो जीन से पूछती है कि क्या उसे हैरी और मैरियन का इस तरह से डांस करना परेशान नहीं करता। जीन अपनी रियल भावनाएं छिपाता है और कहता है नहीं। फिर वो पेन के करीब आने लगता है। मैरियन उन दोनों को दूर से देख रही थी। अगले दिन मैरियन जीन से पेनेलोप के बारे में पूछती है। जीन कहता है कि वो काफी अजीब है। हैरी पेनेलोप के साथ बात कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पेन हैरी की बात में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उसे नेक्स्ट ट्रिप पर वेनिस ले जाने की बात करता है और फिर वहां जीन आता है। हैरी जीन से पूछता है कि वो मैरियन से शादी कब कर रहा है। जीन बताता है कि उसका कोई शादी वादी करने का इरादा नहीं है। वो हैरी को मैरियन से शादी करने के लिए कहता है। वो बस उसका मन ले रहा था, लेकिन हैरी कहता है कि वो झंझटों से अब दूर रहता है। अब वो बस अपनी बेटी पेनेलोप पर ध्यान देना चाहता है। उन दोनों की बातों से पेनेलोप को लगने लगता है कि जीन हैरी को पसंद नहीं करता। उसके बाद मैरियन हैरी को शॉपिंग चलने के लिए पूछती है। जीन साथ चलने की बात करता है, लेकिन वो हैरी के साथ चली जाती है। घर पर जीन और पेन अकेले रह जाते हैं। उधर मैरियन हैरी को बताती है कि जीन अपनी पहली नॉवल के फ्लॉप होने से काफी दुखी है, लेकिन उसकी हेल्थ में सुधार आया है। उसने ज्यादा देर तक पीना भी बंद कर दिया है। मैरियन हैरी से कहती है कि जीन को उसकी जरूरत है और वो उसी के साथ रहेगी, और ये पहली बार है जब वो किसी आदमी के साथ इतने लंबे समय तक टिक सकी है। उधर जीन और पेनेलोप आपस में हैरी के बारे में बात कर रहे हैं। पेन बताती है कि उसकी माँ ने सबसे ये बता रखा था कि उसके पापा समुंदर में डूब कर मर गए, लेकिन एक दिन वो अचानक से प्रकट हुआ और तब से वो उसे अकेला ही नहीं छोड़ता। जहाँ भी जाता है उसे अपने साथ ले जाता है। लोगों को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और ये सुनकर हैरी को भी काफी अच्छा फील होता है, लेकिन उसे दिखाने के लिए वो सबसे यही बताता है कि पेन उसकी बेटी है। कुल मिलाकर पेन को उसके पापा यानी कि हैरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जीन से ये भी बताती है कि हैरी ने उसे बताया था कि वो मैरियन से बोर हो गया था, इसीलिए उसने जीन को मैरियन के साथ लगा दिया और वो जब चाहे उसे वापस पा सकता है। वो ये भी बताती है कि हैरी को लगता है कि जीन में कोई भी टैलेंट नहीं है। हैरी जीन को असल में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैरियन और हैरी जब वापस आते हैं, उन्हें पता चलता है कि जीन और पेन बीच पर गए हैं, जिसका फायदा हैरी और मैरियन उठाते हैं, और हैरी मैरियन के करीब आ जाता है। पेन और जीन वापस आ जाते हैं। वो दोनों काफी खुश थे। उन दोनों को इतना खुश देख मैरियन और हैरी को उन पर शक होने लगता है।
पेन अपने कमरे में चली जाती है। हैरी भी उसके पीछे पीछे जाता है और थोड़ी देर बाद वो नीचे आकर मैरियन से बताता है कि कल सुबह वो वापस चले जाएंगे। ये सुनकर जीन थोड़ा अपसेट हो जाता है। हैरी अपने दोस्त के पास जाने की बात कहकर वहां से चला जाता है। मैरियन समझ जाती है और उसे जीन के पास जाने को कहती है। जीन कहता है कि शायद वो भी कल परसों में यहाँ से चला जाएगा। ये जगह अब उसे बोर लगने लगी है। मैरियन पूछती है कि वो यहाँ अकेली क्या करेगी। जीन कहता है उसे जैसा सही लगे वो वैसा करे। मैरियन को लगता है कि पेन हैरी की बेटी है, इसीलिए शायद ये बात जीन को एक्साइट कर रही है। मैरियन उसे समझाती है कि वो गलती कर रहा है। जीन उसे कहता है कि वो आज ड्राइंग रूम में ही सोएगा। मैरियन अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर लेट कर रोने लगती है। जीन रात भर बैठ कर ड्रिंक करता है और फिर आधी रात को वहाँ हैरी आता है और वो भी जीन के साथ मिलकर ड्रिंक करने लगता है। उन दोनों के बीच पेन को लेकर झगड़ा हो जाता है और हैरी जीन को मारने के चक्कर में पूल में गिर जाता है। वो जीन से उसकी मदद करने को कहता है क्योंकि वो नशे में था, लेकिन जीन उसकी मदद करने के बजाय उसे पूल में डुबोकर मार डालता है। उसके बाद वो उसके सारे कपड़े उतार कर साफ सुथरे कपड़ों को पूल के पास रख देता है ताकि ऐसा लगे कि स्विमिंग करते वक्त वो डूब कर मर गया। वो उसके गीले कपड़ों को अलमारी में रख देता है। सुबह हम देखते हैं कि सब हैरी के फ्यूनरल में हैं और उसके बाद एक डिटेक्टिव जीन के पास आता है और हैरी की मौत के बारे में पूछताछ करने लगता है। उसे शक है कि हैरी की मौत कोई हादसा नहीं थी। वो हैरी के पहने गए कपड़ों की डिटेल्स लेने लगता है कि उसने कल रात कौन से कलर के कपड़े पहने थे। दोनों कहते हैं कि उन्हें याद नहीं है। वो जीन और मैरियन को ये शहर छोड़कर जाने से मना करता है। वो मैरियन को हादसे की कहानी पर संदेह करने के अपने कारण बताता है कि हादसे के वक्त हैरी ने अपनी घड़ी पहनी हुई थी जो महंगी थी और वाटरप्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं थी, और ये कि उन कपड़ों पर पसीने का कोई निशान नहीं था जिन्हें वो पहने हुए था। वो बिल्कुल ही क्लीन और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें अभी ड्राई क्लीन करके लाया गया है। वो मैरियन से कहता है कि उसे जीन पर शक है क्योंकि कल रात वो नीचे ही सोया हुआ था। मैरियन हैरी की वार्डरोब चेक करती है जिसमें उसे हैरी की पानी से भीगी हुई व्हाइट शर्ट मिल जाती है। वो जीन के पास आती है और कहती है कि डिटेक्टिव को उस पर शक है कि उसी ने हैरी को मारा है। जीन टेंशन में आ जाता है और उसके सामने सब कुछ कबूल कर लेता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि हैरी ने उस पर पहले हमला किया जिस वजह से वो पूल में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। फिर वो उन सबूतों को देखने जाती है जो जीन ने मैरियन को दिए थे। मैरियन पेनेलोप को हवाई अड्डे छोड़ने जाती है ताकि वो वापस घर जा सके। मैरियन और जीन अब विला छोड़ने वाले हैं। वो जीन से कहती है कि वो एक साथ नहीं जाएंगे। उसे जीन पर अभी भी शक है कि शायद वो कुछ छुपा रहा है। वो एक टैक्सी बुलाने के लिए कॉल करती है लेकिन जीन कॉल काट देता है। फिल्म के अंतिम शॉट में हम देखते हैं कि वो खिड़की के पास खड़े हुए हैं और खिड़की से ही वो स्विमिंग पूल को एक तक देखे जा रहे थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।